सचिन पायलट को कांग्रेस ने डिप्टी सीएम की कुर्सी और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दोनों से उतार कर बाहर फेंक दिया। पायलट गहलोत सरकार को गिराने की प्लानिंग करते रहे, लेकिन गहलोत ने अपनी कुर्सी के पाए को इतनी जोर से संभाला कि वो पाए हिल ही नहीं पाए। पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि पायलट आगे क्या करने वाले हैं, पायलट का अगला कदम क्या होगा। सचिन पायलट फिलहाल टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के मेंबर भी। कांग्रेस ने उनके मंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मिली ताकत को छीन ली है। अब ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि पायलट की सदस्यता जाने की नौबत आ गई। ये सदस्यता पायलट के अगले कदम पर टिकी है। नियम कहता है कि अगर पायलट खुद से कांग्रेस छोड़ते हैं या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो दल बदल नियम के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तब भी उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर पायलट कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देते हैं और कांग्रेस उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निकाल देती है तो वो विधायक बने रहेंगे। खबर है कि स्पीकर ने पायलट से उनके अगले कदम के बारे में पूछा है, यानी सचिन पायलट खुद अपनी विधायकी बचा सकते हैं। उनकी विधायकी एक और शर्त पर बची रह सकती है, अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो। कांग्रेस स्पीकर से पायलट की सदस्यता रद्द ना करने का अनुरोध कर सकती है तो पायलट को राहत मिल जाएगी, जो फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट किया। इस ट्वीट को जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पायलट के लिए कांग्रेस का अगला प्लान क्या है। अविनाश पांडे लिखते हैं, सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उन्हें उनकी गलती समझ में आए। मेरी प्रार्थना है कि भाजपा के मायावी जाल से वो बाहर निकल आए। इधर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी कांग्रेस की शिकायत पर पायलट और उनके खेमे के 19 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। खबर है कि पार्टी व्हिप के उल्लंघन के मामले में सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों पर कार्रवाई की गई है। इन सब के पास व्हाट्सएप के जरिए नोटिस पहुंच चुके हैं, इनके घर पर भी नोटिस चिपकाए गए हैं। लेकिन पायलट का रुख देखकर लगता नहीं कि वो पार्टी से माफी मांगेंगे और न ही पार्टी में लौट कर आना चाहते हैं। खबर है कि स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद पायलट ने दिल्ली में कानूनी सलाहकारों से मशवरा लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही वो नई पार्टी बना सकते हैं। इधर सीएम अशोक गहलोत ने नए सिरे से कैबिनेट का गठन कर काम शुरू कर दिया है।